पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने की नीति की बात जब भी होगी तो इंद्र कुमार गुजराल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। 4 दिसंबर 1919 को अविभाजित भारत के झेलम में जन्मे गुजराल ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। गुजराल पंजाबी उर्दू की साझा छाया में पले बढ़े थे और एक राजनेता होने के अलावा उनका दायरा सामाजिक कार्यों, लेखन, पत्रकारिता और शेर व शायरी में भी रहा। लाहौर के डीएवी कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले गुजराल छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। गुजराल लंबे अरसे तक इंदिरा गांधी के सहयोगी के तौर पर कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के साथ मतभेदों के चलते वे 1988 में जनता दल में शामिल हो गए। जब 1997 में जनता दल के नेतृत्व में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी तो एचडी देवगौड़ा के बाद गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। 90 के दशक में पहले विदेश मंत्री और फिर बाद में 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में जड़ता को तोड़ने की पहली सार्थक कोशिश की थी। दरअसल 1990 के दशक में सोवियत संघ के ढहने के बाद के उथल पुथल भरे दौर में उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए निकटवर्ती देशों के साथ मैत्री के 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिन्हें गुजराल डॉक्ट्रीन के नाम से जाना गया। गुजराल डॉक्ट्रीन का मूल मंत्र ये था कि पहले पड़ोसी देशों में भारत पर विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी होगी, उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा और उन्हें दी गई किसी मदद के बदले में तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी होगी। समय की कसौटी पर हम देख सकते हैं कि उनके ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। 92 साल की उम्र में फेफड़े के संक्रमण की वजह से 30 नवंबर 2012 को इंद्र कुमार गुजराल का निधन हो गया। वास्तव में गठबंधन की राजनीति के उभार के दौर में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे गुजराल बौद्धिक किस्म के राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने देश की विदेश नीति को एक नई दिशा दी और इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। निखिल सिंह, DD News, दिल्ली।